हाय गाइस, वेलकम टू द ब्लॉग। और आज के इस वीडियो के अंदर कुछ अलग करने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास में ये बॉक्स है, और ये किस चीज का बॉक्स है, ये क्यूब जो बचपन में हम खेलते थे ना, और जिसके कलर्स एक बार अनसेट होने के बाद में वापस सेट नहीं होते थे, तो आज उसी का ही बॉक्स है मेरे पास में। और आज हम ये देखेंगे कि आखिर इस क्यूब के बॉक्स के अंदर क्या निकलेगा। तो क्यूब के बॉक्स के अंदर तो क्यूब ही निकलेगा, लेकिन उसको भी हम खोलेंगे और खोल के अलग अलग पीसेस में करेंगे और देखेंगे कि उसके अंदर क्या निकलता है। क्योंकि आज तक हमने केवल यही देखा है कि हमारे पास में जो क्यूब होता है वो अलग अलग कलर्स का होता है। तो मैं यहाँ पर पहले आपको एक बार बॉक्स खोल के दिखा देता हूँ। तो ये बिल्कुल नया पीस है जो कि मैं मार्केट से परचेज करके लेकर आया हूँ, जिसके एक साइड में यहाँ व्हाइट कलर है, ऑरेंज है, येल्लो है, रेड है, इधर ग्रीन है, व्हाइट, ब्लू, तो ये सारे कलर हैं। और ये बिल्कुल क्यूब शेप में है, आप देख रहे हो। ये इस तरीके से यहाँ से ऊपर से घुमा लो, आप इसको ये नीचे से घुमा लो, साइड वाला पार्ट है जो इसका, ये साइड वाला पार्ट घूम जाता है, ये वाला पार्ट घूम जाता है, मतलब इसके सारे के सारे पार्ट्स जो हैं वो सारे के सारे पार्ट्स अपने आप अलग अलग तरीके से घुमा सकते हो आप यहाँ पे। और अलग अलग तरीके से घुमाने के बाद में ये खेला जाता है किस तरीके से, कि आप इसको बिल्कुल मिक्स करके दे दो और वापस इसको वैसे ही सेट करना पड़ता है। पर आज हम इसको वापस से सेट तो करेंगे, लेकिन पूरा खोलने के बाद में एक एक पीस, एक एक क्यूब को निकालने के बाद में और वापस से कोशिश करेंगे कि ये इसी तरीके की कंडीशन में लग सकता है क्या। गाइस, उससे पहले यदि आप चैनल के ऊपर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरीके की अमेजिंग वीडियोस आपके सामने आते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको खोलते हैं। यहाँ आप देख रहे हो इसमें यह गैपिंग रहती है, ये मैं दिखा देता हूँ आपको, ये इस तरीके की गैपिंग रहती है, ये सब तरफ है ये गैपिंग। तो आज हम इसको क्यूब को अलग अलग निकालेंगे, एक एक स्क्वायर पीस को अलग अलग निकालने की कोशिश करेंगे। तो मैं यहाँ पे इसको निकालता हूँ, देखते हैं। तो आप ये देख रहे हो यहाँ पर काफी ज्यादा इसमें गैप हो रहा है, तो इसको यहाँ से हम निकालने की कोशिश करते हैं। भाई ये जितना ज्यादा ईजी यहाँ मुझे दिख रहा है इसको निकालना, उतना ज्यादा ईजी है नहीं, काफी ज्यादा हार्ड है, ये देख सकते हो आप। और इसमें से कट की आवाज आई, और यहाँ पे एक कट की आवाज आते ही मेरे हाथ में यहाँ पर ये एक पीस निकला है, ये देख सकते हो आप, येलो पीस निकला है। और बीच में इसके यहाँ पे है एक स्क्रू, तो स्क्रू है यहाँ पर। तो ये बात तो हमारे को पता लग गई कि इस तरीके से ये बॉक्स यहाँ पर लगा हुआ है, और इसको जो रोकने का, पूरे के पूरे क्यूब्स को रोकने का जो एक मेन हिस्सा है वो यहाँ सेंटर से ही चालू होता है। तो फटाफट से एक बार इसको खोल के देखते हैं कि इसको खोलने के बाद में क्या पता ये सारे के सारे क्यूब्स हमारे वैसे ही अलग हो जाए। हम इसको यहाँ से तोड़ने की, निकालने की कोशिश कर रहे थे, तो स्क्रू से एक बार हम इसे अलग अलग करने की कोशिश कर लेते हैं। सो गाइज, यहाँ पे मैंने स्क्रू ड्राइवर ले लिया है और इससे यहाँ पर हम खोलने वाले हैं इस स्क्रू को। तो देखते हैं इसके अंदर क्या चीज निकलती है, और क्या पता कि इसको खोलने के बाद में ये पूरा का पूरा यहीं से ही अलग अलग हो जाए, जो हम यहाँ पर इसको खोलने की और तोड़ने की जो कोशिश कर रहे थे। तो देखते हैं इसको खोलने के बाद में किस तरीके का इसके अंदर से लुक रहता है। और ये देख सकते हैं आप यहाँ पर मैंने ये स्क्रू निकाल दिया है, और इस स्क्रू के साथ में यहाँ पर एक ये स्प्रिंग भी है जो कि इसी के अंदर लगी हुई थी। और अब आपको दिखाता हूं मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे इस स्क्रू के साथ में ये स्प्रिंग निकली है, और आप ये देख सकते हो यहाँ पर स्क्रू भी बिल्कुल अलग ही तरीके का है, जो कॉमनली हमारे घरों के अंदर जो चीजों पे जो स्क्रू लगते हैं उससे बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है। और यहाँ पर मुझे लगता है कि ये पीसेस बिल्कुल अलग हो गए हैं, तो ये यहाँ पे टॉप वाला जो पार्ट था येलो वाला, उसी का ही स्क्रू जिस पे लगा हुआ था वो ये था। तो आप ये देख सकते हो अलग अलग तरीके से एक एक स्क्वायर पीस इसका यहाँ निकला हुआ है, और इसको बड़ी ही अलग तरीके से बिल्कुल, आप ये यहाँ देखो आप कि किस तरीके से एक के अंदर एक इसको पूरा फंसाया हुआ था। आप यहाँ देख सकते हो ये जो बीच में जो गोला दिख रहा है इसके अंदर से स्क्रू आ रहा था, और इसी तरीके से इसको इस तरीके से सेट करा हुआ है कि बिल्कुल एक एक पीस यहां पर अलग तरीके से निकल रहे हैं, ये देख रहे हो आप। और बीच में यहां पर इस तरीके से ये पूरा का पूरा सेट है जिसके ऊपर क्यूब्स टिके हुए थे, तो ये यहां पे है। तो इसको भी हम यहाँ पे पूरा निकाल लेते हैं, बीच में ग्रीन कलर है, तो एक बार इसको पूरा निकाल लेते हैं। तो गाइस अभी भी ये पूरा नहीं खुल रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहां पे भी जिस तरीके से इधर के टॉप के पार्ट के ऊपर स्क्रू लगा हुआ था,
वैसे ही यहां पर भी इसके टॉप पार्ट के ऊपर भी स्क्रू होना चाहिए, तो इसका भी देख लेते हैं। बिल्कुल, तो मैं सही सोच रहा था कि यहां पर भी इस तरीके से कैप है और ये स्क्रू यहां पे भी लगा हुआ है, तो फटाफट से इस स्क्रू को भी हम यहां पे खोल लेते हैं। तो सेम उसी तरीके से यहां पे भी स्क्रू निकला है और स्प्रिंग है उसके साथ में, और अब ये पूरा का पूरा यहां पे अलग अलग पीसेस के अंदर हो गया है। ये देखो आप, ये अलग अलग पीसेस के अंदर यहां पर पूरा हो गया है। और दूसरी चीज, ये बीच वाला जो पार्ट है, बीच वाला पार्ट ये आपस के अंदर एक इस जॉइंट से रुका हुआ है। ये दिखा देता हूं मैं आपको इसको खोलकर, इस पार्ट को भी हम यहाँ पे खोल लेते हैं। बड़ी ही स्टाइल से ये एक के अंदर एक इस जगह से फंसे हुए हैं, ये देखो आप। तो ये इसको भी अपन निकाल लेते हैं। तो ये पार्ट भी यहां पर मैंने निकाल लिया है, और ये चारों जो पीस है ये बीच में इस ग्रीन वाले पार्ट के ऊपर रुके हुए हैं, तो एक बार इसको भी हम खोल लेते हैं। और ये देखो आप, यहाँ पे इसमें भी यहां पर जिस तरीके से वो ढक्कन बना हुआ था, वैसे ही ढक्कन यहाँ पे भी बने हुए हैं। चार ढक्कन और चार स्प्रिंग लगी हुई है। तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्टाइल के अंदर यहाँ पे क्यूब को बंद किया जाता है, बनाया जाता है, तभी ये जाके उस स्टाइल के अंदर बनता है। और चारों के अंदर चारों स्क्रू लगे हुए हैं, तो स्क्रू को भी फटाफट से खोल लेते हैं। गाइस, एट लास्ट पूरा क्यूब हमने खोल लिया है, बिल्कुल उसके पार्ट्स को अलग 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 कर दिया है, ये आप देख सकते हो। और स्प्रिंग टोटल मिला के इसके अंदर 6 स्क्रू और 6 स्प्रिंग इसके अंदर रहती है, जो कि इस क्यूब को बांध के रखती है, एक एक पीस को एक एक पीस के साथ बांध के रखती है। और यहाँ पे ये बहुत ही अच्छा है, अलग अलग क्यूब में अलग अलग तरीके से होता है। जिस तरीके से यहाँ पे इस क्यूब का ये ढक्कन बना हुआ है, हो सकता है कि दूसरा जो क्यूब हो उसके अंदर इस तरीके से ढक्कन नहीं आता हो, लेकिन यहाँ पे इस तरीके का ढक्कन बना हुआ था और इसके अंदर फिर इसको खोल के इस जगह पे स्क्रू लगा हुआ था, जिससे सारे के सारे एक दूसरे के अंदर फिक्स करे हुए थे। तो यहाँ अब हमने खोल लिया है, अब फटाफट से इसको वापस से जिस कंडीशन के अंदर हम इसको लाए थे उस कंडीशन के अंदर इसको करने की कोशिश करते हैं, और ये देखते हैं कि इस कंडीशन में वापस से कन्वर्ट करने में हमारे को कितना टाइम लगा। गाइज, फाइनली 8.5 मिनट के अंदर वापस से इस क्यूब को हमने जैसा खोला था वैसा का वैसा ही हमने इसको सेट कर दिया है, और पूरे पार्ट्स इसके अलग अलग कर दिए थे। और ये आप देख रहे हो, ये उसी तरीके से फंक्शन कर रहा है जिस तरीके से हम स्टार्टिंग के अंदर इसको लेकर आए थे, तो बिल्कुल सक्सेसफुल रहा। तो किसी भी तरीके का कोई पार्ट ऊपर नीचे नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा सा टिपिकल था इसको क्यूब को वापस से सेट करना, क्योंकि उसके अंदर जो क्यूब के अंदर जो अलग अलग जो पार्ट थे वो बिल्कुल एक दूसरे के अंदर अटक कर यूं इंटरलॉक होते थे, और उस इंटरलॉक होने के बाद में ये बिल्कुल ऐसी इसकी चाल बनती थी कि स्क्रू से, चार स्क्रू लगाने से टोटल सारे के सारे जो क्यूब्स है वो अपने आप के अंदर अटक गए। और इसमें थोड़ा सा अंदर मेरे को थोड़ा सा ल्यूब्रिकेंट टाइप का, कुछ वैसलीन जैसा, कुछ जेली टाइप का सा इसके अंदर लग रहा था। हो सकता है कि इसकी स्मूथनेस के लिए यहाँ पे ये चीज इन्होंने डाली हो। और ये वापस से खुल गया, तो ये तो यहां से इसको पैक कर देते हैं। इसको खोलने से पहले मुझे मालूम नहीं था कि ये इस तरीके से अंदर से स्क्रू से बिल्कुल जॉइंट रहता है, मैं तो ये सोचता था कि इसको ऐसे करके यहां तोड़ना पड़ेगा कुछ, लेकिन हमने इसको बिल्कुल सक्सेसफुली ज्वाइन कर लिया। तो गाइस, इसी तरीके से आगे किस तरीके के वीडियोज आपको चाहिए मुझे नीचे कॉमेंट के अंदर जरूर बताना, और चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, इसी तरीके की अमेजिंग वीडियोज आपके पास में आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।